नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। अक्सर मैं मुखर्जी नगर करोलवा गोल राजेंद्र नगर की वीडियो आपके लिए कंटिन्यू बनाता रहता हूँ और सबसे ज़्यादा मुखर्जी नगर की बनाता हूँ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कहा कि भैया लक्ष्मी नगर का भी दिखाइए, क्योंकि लक्ष्मी नगर में सबसे ज़्यादा CA, CS और CMA की कोचिंग है और यहाँ पे अगर बात की जाए IIT और JEE और यहाँ पे नीट के लिए भी कुछ कोचिंग यहाँ पे है। एक दोस्त हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, इनसे ही जानेंगे, ये यहाँ पे क्लास वगैरह लेते हैं कि कौन से कोचिंग में ये जाते हैं और यहाँ पे कौन कौन से कोचिंग हैं और ये कहाँ से आए हैं, क्या ग्रेजुएशन करके आए थे। दोस्तों लक्ष्मी नगर की वीडियोस भी अब आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है और आप लक्ष्मी नगर में क्या स्टडी वगैरह करते हैं या जॉब करते हैं। जी मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक तिवारी। मैं यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस करता हूँ और मैं लास्ट मंथ ही यहाँ पे आया हूँ। कौन से कोचिंग में आप कंप्यूटर क्लास करते हैं? मैं कोचिंग का नाम बता दीजिए, हॉपलेस मत हो, ये कौन से कोचिंग में करते हैं? I don't know about name, coaching name, so कोचिंग का नाम नहीं पता। चलिए ठीक है, ये बताइए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोचिंग CA, CS और CMA वालों के हैं। हाँ। तो आप कंप्यूटर क्लास लेते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे CA के रहते हैं? Yes। किसके रहते हैं? सबसे ज़्यादा बच्चे CA के रहते हैं और UPSC वाले भी रहते हैं, जो करोल बाग में अफोर्ड नहीं कर सकते रहना, वहाँ पे रहना नहीं अफोर्ड कर सकते, तो UPSC वाले बच्चे भी यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, आप बिहार से यहाँ पे स्पेशली पढ़ने आए हैं या फिर जॉब वगैरह भी करते हैं? मैं स्पेशली पढ़ने आया हूँ यहाँ पे, जॉब अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ट्राई। बिहार के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, टॉपर भी बन जाते हैं, शुभम कुमार भी UPSC में टॉपर बने थे। हाँ, वो ज़्यादा मेहनती इसलिए होते हैं, वो डाउन लेवल से होते हैं, वो ज़मीन से जुड़े होते हैं, वो जानते हैं पारिवारिक स्थिति वगैरह, तो थोड़ा सा मेहनत करने में ज़्यादा ही फोकस करते हैं। ग्रेजुएशन वगैरह कम्प्लीट करके आए थे क्या? नहीं, आफ्टर 12th यहाँ पे आया था मैंने, बारहवीं पास करके ही आ गए। हाँ। कोई रिलेटिव वगैरह आपका रहता है या फिर यहाँ से PG वगैरह में रहते हैं? मैं दोस्त के साथ रहता हूँ, मेरा फ्रेंड रहता है, रूम ले रखा है। वो क्या करता है आपका दोस्त? वो जर्मन लैंग्वेज करता है। ओके दोस्तों, इधर एक बार दिखाइए, यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको क्राउड दिखेगा और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोचिंग CA और CS और CMA के हैं। इधर भी आप देखेंगे तो लंबा चौड़ा क्राउड है। बाकी का अब हम आपको कंटिन्यू दिखाते रहेंगे लक्ष्मी नगर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कहा था। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जो भी नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनमें आपको कोचिंग की डिटेल और कौन कौन से कोचिंग हैं ये दिखाए जाएंगे। आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो को आप पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि अब कंटिन्यू आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। और आज हमारे साथ हमारे कैमरा पे एक दोस्त ने मदद की है, उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। आज तो अभी हम लक्ष्मी नगर का जो फ्लाईओवर है, पीछे आप देखेंगे तो लिखा भी हुआ है लक्ष्मी नगर, वहीं पर खड़े हैं और एक दोस्त और मिल गए हैं। आपका नाम क्या है? आनंद नाम है। आप आनंद जी यहाँ पे कौन से कोचिंग से क्लास वगैरह लेते हैं या फिर जॉब वगैरह करते हैं? मैं कंप्यूटर क्लासेस लाल बहादुर शास्त्री स्किल एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में करता हूँ और मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब गया, क्यूरियस किया, पूछा, बट इस इंस्टीट्यूट ने काफ़ी मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए, स्पेशली मतलब पोलाइट टीचर है, जो भी क्वेश्चन चाहो, और हम लोगों को डेमो क्लासेस भी प्रोवाइड हुआ। इवन हम लोगों ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन विजिट किए जहाँ क्लास में इंटर करने की भी इजाज़त नहीं मिली, बट टीचर वीरेंद्र सिंह सर ने बोला कि आप लोग आओ बैठो क्लास करो, अच्छा लगे तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो अच्छा, आप कहाँ से हैं, कितने दिनों से यहाँ पर? मैं एटलीस्ट यहाँ 45 डेज से हूँ, मैं सिवान बिहार से हूँ। मतलब जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक इंडिया थे, जो हमारे होम टाउन से थे। अब बिहार से सबसे ज़्यादा IAS IPS बनते हैं और वहाँ के छात्र भी बहुत मेहनती होते हैं लक्ष्मी नगर में भी और मुखर्जी नगर में, मुझे अक्सर मुखर्जी नगर में अक्सर मिलते रहते हैं करोल बाग में और यहाँ पे भी हैं, तो आप लोगों ने सब जगह कब्जा कर रखा है? नहीं मेरे भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो हम लोग का पहचान इंडियन है, ठीक है, और एक फैमिली है जो कि बहुत बड़ी है, 130 करोड़ से ऊपर आबादी है हमारी, तो कोई पीछे ना छूट जाए, बस यही बात है। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ सेटल होना है, हम चाहते हैं कि जो यहाँ रिसोर्स है यहाँ से नॉलेज गेन करें और हम अपने होम टाउन जाएं। अब बताएं कि देखो लाइफ को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, हम लोग अच्छे हैं लेकिन और अच्छे कैसे हो सकता है, इसके लिए। दोस्तों अभी बिहार से फ़ोन भी आ रहा था और सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स भी हमारे बिहार के हैं। एक चीज़ जानना चाहूँगा, यहाँ पर कोचिंग कौन सा सबसे ज़्यादा है लक्ष्मी नगर? देखो मेरे भाई, कंप्यूटर क्लासेस के लिए तो मैं लाल बहादुर शास्त्री स्किल एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बोलूँगा, क्योंकि कोचिंग का एक पहचान होता है उसका क्वालिटी और कंटेंट और टीचर, कि उसको डिलीवर कैसे कर रहे हैं स्टूडेंट के माइंड में, मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट लगा। इवन कोई एटीट्यूड नहीं, हम लोगों ने बोला सर थोड़ा सा हम लोग वीक है, उन्होंने हमें
30 मिनट टाइम प्रोवाइड किया एज अ पेरेंट। वो पूछते हैं कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना, थोड़ा फी पे करने में प्रॉब्लम आ रहे थे तो उन्होंने बोला कि इंस्टॉलमेंट से भी तोड़ के तो लो बैलेंस देना। उसकी फीस वगैरह क्या है? इसके अलावा जैसे कहा जाता है कि सी ए सी एस और सी एम ए के कोचिंग ज़्यादा हैं, तो क्या ये बात सही है? एक्चुअली इसके बारे में तो मैं डिटेल नहीं बता सकता, बट मेरा कोर्सेज काफ़ा है सी ए एफ ए है। सो मेरे कोर्सेज में पूरा टोटल अमाउंट है 10,100 रुपीज़। तो सर ने इसको स्प्लिट करके मेरे लिए फर्स्ट पेमेंट में 3,900 रुपीज़ मैंने पे किया, उसमें 300 थे मेरा एक रेफरल कोड मिला। जब भी मुझे प्रॉब्लम होंगे तो मैं सर के पास आकर बोलूँगा सर मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे मोर देन 20 to 15 डेज़ के लिए मुझे क्लासेस मिलेंगे। और इवन सर ने बोला कि मेरे इंस्टीट्यूशन में मतलब बच्चों को प्रमोट किया जाता है, अच्छे अच्छे जगह पर इंस्टीट्यूशन में जाकर काम कर रहे हैं। ओके, एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या जब आप बाहर निकलते हैं जैसे मार्केट वगैरह में, अभी भी आप कुछ लेने वगैरह आए थे यहाँ पे, तो क्या आपको स्टूडेंट दिखते हैं मार्केट में दूसरे कोचिंग वगैरह? हाँ स्टूडेंट दिखते हैं मुझे, बट संख्या में है क्या यहाँ पे स्टूडेंट चाहिए? बहुत 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 संख्या में। इवन मुझे लगता है कि 30 to 40% स्टूडेंट हमारे होम टाउन से, यूपी या बिहार से। सो देखकर अच्छा लगता है कि भाई, लेकिन कभी कभी बुरा भी लगता है, देखो पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। एक महीने का रूम का, यहाँ पे रहने पीने का, खाने पीने का कितना आपका खर्च हो? मैं बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट जिसको बनाने नहीं आता है, जैसे मुझे नहीं आता, तो मान के चलो 4,500 रुपीज़ लगेंगे ही, सॉरी 1,000 रुपीज़। सो 4,500 रुपये वो सिर्फ खाने को छोड़ लो, अगर पे बना वो अलग बात है। और रूम रेंट हम लोगों का लगता है 7,500। सो एटलीस्ट मान के चलो पर पर्सन 8,000 से 9,000 रुपये बचा के चले तो लगेंगे। अगर बनाने आते हैं तो 1,500-2,000 मुँह बनाए खा सकता है, नॉर्मल चीज़। अब आपका डिज़ायर कितना है माने ये रखता है। बिहार के छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे? छात्रों और छात्राओं को हज़ारों की संख्या में आज आपको देखते हैं। मेरे भाई देखो, ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट करना और जीना अच्छी बात है। किसी को देखो, उसके अच्छी चीज़ों को सीखो, उसकी वो चीज़ों को ना सीखो जो तुम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी तुम है। जैसे ए के बाद ही बी आता है, बी पहले नहीं आता, वैसे ही किसी को कॉपी ना करो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लक्ष्मी नगर में सबसे ज़्यादा सी ए सी एस और सी एम ए की कोचिंग है, लेकिन यहाँ पे और भी कोचिंग है। ये दोस्त सी ए या फिर सी एस या सी एम ए के स्टूडेंट नहीं है, यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री कोचिंग है, उससे ही कंप्यूटर की क्लास लेते हैं। दोस्तों आपको लगातार लक्ष्मी नगर की वीडियो देखने को मिलेंगी, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, बिहार के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, मैं अक्सर उनसे मिलता रहता हूँ, और यहाँ पर भी आज हमें मिल गए। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे दोस्त मिलते हैं जो मन लगा के पढ़ाई करते हैं। आप भी ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।